आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि लघुत्तम समापवर्त कैसे निकाला जाता है। लघुत्तम समापवर्त को अंग्रेजी में लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल और शॉर्ट में बोल देते हैं LCM। इसके लिए मैं दो उदाहरण लिया हुआ हूँ, एक छोटा सा है एक बड़ा सा है। आराम से पूरा वीडियो देखेंगे, समझने में सीखने में समय लगता है, लेकिन जब आप इसको समझ जाएंगे तो आपको हल करने में बहुत आसानी होगी, बहुत जल्दी से आप हल कर लेंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल अखिल ज्ञान में स्वागत है। यदि वीडियो उपयोगी और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देंगे, और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो आगे भी ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो लघुत्तम समापवर्त क्या है? हमें जो भी प्रश्न दिया जाता है, जो भी संख्याएं दी जाती हैं, लघुत्तम समापवर्त या लीस्ट कॉमन मल्टीपल में ऐसी संख्या पता करना होता है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। जैसे यहाँ पर 12-30 है, तो हम एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या पता करेंगे जिसमें 12 और 30 दोनों से पूरा का पूरा भाग चला जाए या पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। जैसे एग्जाम्पल 2 में दिया हुआ है 12, 30, 84 और 132, इसमें भी ऐसी संख्या हम पता करेंगे जो इन चारों संख्याओं से डिवाइड हो जाए या पूरा भाग चला जाए। उत्तर आने पे आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो एग्जाम्पल 1 को पहले हल करना शुरू करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे ऐसे 12 और 30 को कॉमा करके लिख लेंगे, ऐसे लाइन खींच लेंगे। यहां पर क्या करना है, सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या की ओर इसको विभाजित करते हुए या भाग देते या काटते हुए सामान्य भाषा में चलना है। यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या जो विभाजित करने के लिए प्रयास करेंगे वो 2 होगी। 2 के बाद हम जब 2 से संख्या विभाजित नहीं होंगी तो 3 से करेंगे। 3 के बाद 4 आता है, लेकिन 4 से जो विभाजित होंगी तो वैसे भी 2 से विभाजित हो जाएंगी, इसलिए 4 नहीं लिखते। 4 के बाद हम सीधे 5 से करते हैं, इसके बाद 7 से ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद 11 से ट्राई करते हैं, फिर 13 से ट्राई करते हैं, 17 से, 19 से, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो 13 संख्याएँ आती जाएंगी जिससे क्रम से जाते हैं। तो उस तरह से हम प्रयास करते हैं कि इनसे विभाजित करने का एक क्रम ऐसे ही रहे। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है 2। 2 से क्या ये विभाजित हो जाती है, भाग पूरा चला जाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले 2 से विभाजित करने का प्रयास करेंगे। तो 2 का अगर पहाड़ा पड़ती, 2 का 6 बार अगर पहाड़ा पड़ते हैं तो 12 हो जाता है, मतलब 2 से विभाजित हो गया है। अगला आता है 30। आप बड़ा चीज़ है तो उसके लिए सीधा सीधा भाग भी लगा सकते हैं, जैसे 30 है ऐसे लिखेंगे, 2 + 1 = 2 लिखेंगे, 3 में से 2 गए 1, यहाँ 0 उतारेंगे और 2 × 5 = 10, मतलब क्या हो गया कि 15 आ गया। अब यहाँ पे फिर से एक ऐसी लाइन खींच देंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या फिर से 2 से विभाजित हो रहे हैं। अगर 2 से विभाजित हो रहा है तो फिर 2 लिखेंगे, तब विभाजित होता है 2 से, लेकिन 15 नहीं होता तो कॉमा करके ऐसे ही 15 फिर लिख देंगे। अब इसके बाद आगे आएंगे तो 2 से क्या विभाजित होगा, 3 और 15 2 से विभाजित नहीं होते हैं, तो 2 से विभाजित अब नहीं हो रहे हैं, तो अगली संख्या बढ़ेंगे 3 की ओर। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 से विभाजित करेंगे तो 1 आएगा, 1 लिख के कॉमा कर देंगे। अब 15 में 3 से विभाजित करेंगे तो 5 आएगा, 3 × 5 = 15 होता है। फिर उसके बाद लाइन खींच देंगे, अब क्या 3 से विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो अगली संख्या है 5, हम 5 से प्रयास करेंगे। 1 आ चुका है, 1 को सीधा सीधा ऐसे लिखते जाएंगे, और 5 जो है 5 से विभाजित करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि नीचे पूरा 1 आ गया, मतलब हमारी ये प्रक्रिया पूरी हो गई। अब हमारे जो बाई तरफ ये अंक आए हैं, इनका आपस में गुणा करना है। इसको लिख लेंगे 2 × 2, 2 × 2 आए हैं, फिर 1 × 3 आया है, 1 × 5 आया है, तो हम लिख लिए 2 × 2 × 3 × 5, बराबर करेंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे तो उत्तर आता है 60। ये जो उत्तर आया यही है लघुत्तम समापवर्त, ये उत्तर जो हमारा है ये लघुत्तम समापवर्त है। यही 60 वो संख्या है जो कि 12 और 30 दोनों से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। इसमें 60 में चाहे 12 से भाग दो चाहे आप 30 से भाग दो, दोनों स्थिति में पूरी तरह से इसमें विभाजित हो जाते हैं। 12 × 5 = 60 या 30 × 2 = 60। ये हो गया छोटा वाला उदाहरण। अब इसके बाद हम बड़ा वाला उदाहरण देखते हैं, तो बड़े वाले के लिए भी ऐसे ही लिख लेंगे 12, 30, 84, 132। इसके लिए भी ऐसे लाइन खींच लेंगे और ऐसे खींच लेंगे। अब यहाँ भी सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करना है तो 2 से करेंगे, तो 12, 2 × 12 ये 15 से 15 × 2 = 30 होता है। राशि में हम फिर 2 से भाग देंगे तो लेफ्ट साइड ऐसे कर लेते हैं, आसानी रहेगी। वैसे आपको अगर पहाड़ा पूरा याद है तो बहुत आसानी हो जाती है,
चार बार गया, आठ आया, फिर चार उतारे, दो का दो से गया, चार आया, फिर कट गया, यानी 42 आ गया, तो यहाँ पर 42। मतलब आपको जब बड़ी संख्याएं नहीं आ रहा है तो आप सीधे सीधे भाग की प्रक्रिया अपना सकते हैं। वैसे ही 132 है, 132 को भी लिखेंगे, भाग देंगे, 2 छक्के 12, एक आया यहाँ पर, यहाँ पर कुछ नहीं आया, 2 छक्के 12, तो ये 66 आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे 66 लिख देंगे। अब फिर से ऐसे लाइन खींच लेंगे। अब ये प्रक्रिया तो आप समझ गए होंगे कि हमको हर जगह डिवाइड करना है या भाग देना है। अब 2 के बाद फिर 2 हम रखेंगे, क्या 2 से विभाजित हो रहे हैं, कि अगर 2, 4, 6, 8, 0 है अंत में तो 2 से विभाजित होती है संख्याएं, तो फिर 2 लिखेंगे। ये 3 से, अब 15 2 से अगर विभाजित नहीं हो रहा है और यहाँ पर अब ये 2 से विभाजित करते, इसको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही यहाँ पर लिख लेना है। अब 42 आ गया तो 42 2 से विभाजित होता है, 21 आता है, ऐसे ही 66 2 से विभाजित होता है, 33 आता है। फिर लाइन खींचेंगे, अब देख रहे हैं कि इसमें 2, 4, 6, 8, 0 नहीं है तो 2 से विभाजित नहीं होगा, तो 2 के बाद अगली संख्या क्या है, 3 है। अब 3 से प्रयास करेंगे, ये 3 से 3 विभाजित हो गया, यहाँ 1 आ गया, 15 विभाजित होगा, 3 × 5 = 15 होता है, ऐसे 21 7 में पहाड़ आ जाता है और 33 में 11 से जाता है। फिर लाइन खींचेंगे, अब हम देखते हैं 3 से विभाजित होने वाली यहाँ पर संख्याएं नहीं है, तो अगली संख्या कौन सी है, 5 है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, 1 को ऐसे ही उतार लेंगे, 5 से 5 का भाग चला जाएगा, 1 आ जाएगा, 7 में नहीं जाता तो 7 फिर से उतार लेंगे, 11 में नहीं जाता तो 11 फिर से उतार लेंगे, जो नहीं जाता उसको तब तक ऐसे उतारते जाएंगे जब तक उसका नंबर ना आ जाए। अब 5 से कटने वाली संख्याएं नहीं है तो अगली संख्या कौन सी है, 7 है, यहाँ पर 7 है भी तो हम यहाँ 7 लिखेंगे, 1 1 ऐसे उतारते जाएंगे और 7 × 7 = 1 लिख देंगे और 11 फिर उतार लेंगे। अब सिर्फ 11 बस बचा है तो 11 यहाँ पर लिखेंगे, 1 1 1 हो जाएगा और 11 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। अब सब 1 1 आ गया, मतलब ये हमारी प्रक्रिया जो है भाग देने की वो पूरी हो गई है। अब इनका आपस में गुणा कर लेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे 2 × 2 हैं, 2 × 2, उसके बाद 3 × 3, फिर 5 × 5, फिर 7 × 7, फिर 11 × 11 और बराबर इनका फिर आपस में गुणा कर देंगे। इनका आपस में गुणा करेंगे, 2 का 2 से गुणा 4, 4 का 3 से गुणा 12, 12 का 5 से गुणा 60, 60 का 7 से गुणा करेंगे 120, और 420 का 11 से गुणा करेंगे 4620 आएगा। तो ये हमारा लघुत्तम समापवर्त इन संख्याओं को हो गया, यही हमारा उत्तर है। सबसे छोटी संख्या है जो इन चारों संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी या भाग चला जाएगा। आप फ्रैक्शन यानी भिन्न का जोड़ घटाना लगाते हैं या भिन्न छोटा या बड़ा है पता करते हैं, उस स्थिति में लघुत्तम समापवर्त निकालना जरूरी होता है, क्योंकि अंश और हर होते हैं, हर सभी हर का आपको लघुत्तम निकालना होता है और ऐसी संख्या पता करना होता है जो कि सभी हर से विभाजित हो जाए, फिर आप आसानी से भिन्न के जोड़ घटाना और प्रश्न भी हल कर सकते हैं। तो मुझे आशा है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। ऐसी ही वीडियो के लिए आगे भी बने रहें। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।